आने वाले हैं आज जोलो चिप। राजू का ब्रेक डांस निकल रहा है। आग लगा देगा ये। तुम क्यों खा रही हो? ये सब डरपोक के हैं। मम्मी लगी है सुबह सुबह पेड़ लगाने। खूब सारे पेड़ मम्मी सहारनपुर से लाई थी। और ये ऊपर वाले सारे लगा दिए, जितने ऊपर छोटे छोटे पेड़ लगे हैं ये सब लग चुके हैं। अभी ये नीचे जो तीन पीले गमले रखे हैं इनका नंबर है। और यहाँ पे इस रूम की क्लीनिंग मुझे करनी है, तो काम करते हैं शुरू। फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है, चाय पिए सुबह सुबह बैठे हैं सब लोग अपने धीरे धीरे काम करने। यह निहारिका लगी है कपड़ों की तह बनाने। और अभी क्लीनिंग नहीं हुई है, एक इसी को ठंड लग रही है, बाकी घर में किसी को ठंड नहीं लग रही है। अभी हमारी क्लीनिंग बाकी है, चाय पिए। तो आज निहारिका हमारी बना रही है चीज केक। तो निहारिका तू अपनी शेयर करेगी रेसिपी? तो चलो अब देखें फ्रेश हम कहाँ से दिखेंगे। हमारी तबीयत खराब है, अब थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए इसलिए हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा सामान है, अभी निहारिका सारे इंग्रेडिएंट्स बताएगी किस तरह से कितना कितना मेजरमेंट है। ऐसा भी बनाना है मुझे। तो फिर रेसिपी क्या है? मैं बता दूंगी। तो अब निहारिका को लेते हैं आगे से। अब निहारिका बताएगी क्या कैसे करना है। सो चीज केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए एक हॉलो बर्तन, क्योंकि आपको चीज केक के लिए कुछ बेकिंग नहीं करनी है, जैसे नॉन ओवन एंड नॉन बेकिंग चीज केक रेसिपी। तो हम ये यूज़ करेंगे। ये बाई चांस मैं आइकिया गई थी घूमने, अब हैदराबाद आए कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए, तो वहाँ ये मिल गया, तो किस्मत की चांदी चांदी होगी। और मैं ये चीज़ केक भी आइकिया में ही खाया था, इसलिए हाँ चीज़ केक मैंने आइकिया में ही खाया था, तो वहीं से दिमाग में घंटी बज रही थी चीज़ केक बनाना चाहिए हमें। सो चीज़ केक स्टार्ट करने के लिए छोटी सी चीज़ होती है, पहले हमारा एक बेस होता है, उसके ऊपर एक क्रीम की लेयर आती है, क्रीम चीज़ की। तो बेकिंग वो बेस के लिए यहाँ पर मैंने कुछ मैरी गोल्ड बिस्किट्स मंगाए थे, अपेरेंटली वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इस सारे का हम केक ही बनाने का एम कर रहे हैं। बट अभी के लिए बेस के लिए मैंने कुछ बिस्किट्स को यहाँ लिया है और मैं इनको भी ग्राइंड करूँगी। तो ग्राइंड करने के बाद मिलते हैं। तो अभी ग्राइंड करने के बाद इसकी क्वांटिटी भी इतनी हुई है, तो मैं इसमें भी और बिस्किट्स ऐड करने वाली हूँ, ताकि मेरी क्वांटिटी कम से कम इतनी पिसने के बाद हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैं इसे बटर में मिक्स करके फ्लेवर ऐड करके इसके नीचे का बेस सेट करने वाली हूँ। और ग्राइंड हो चुका है और इसमें मैंने थोड़े से छोटे पीस चॉकलेट के भी मिक्स कर दिए थे ग्राइंडर में, जस्ट फॉर फ्लेवर, क्योंकि मेरा बिस्किट बिल्कुल ही फ्लेवरलेस मारी गोल्ड है। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट इसमें यूज़ कर सकते हैं, हाइड एंड सीक इज़ अ गुड चॉइस। यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं। स्पाइसीएस्ट चिप्स हम खाने वाले हैं आज, जोलो चिप। इस तरह टेस्ट करो उसको, आज हम सब ट्राई करेंगे। ओए ऐसे नहीं यार, खाओगे तो थोड़ा सा खाओ। चुप रहना, मम्मी को ट्राई करा दो। मम्मी को ट्राई कराती हूँ। मम्मी ट्राई करना ये वाला चिप्स, चल ना बिल्कुल। अरे देखो इतना छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, देख तो लो कितना सा है, छोटा सा है वाला होगा। हाँ वही वाला है। जल्दी से खानी है, वो अंदर कर दीजिए। तेज है, तेज नहीं है तो क्या फ्री में दिया उन्होंने, इसलिए इतना महंगा। आग लगा देगा ये। तुम क्यों खा रही हो? अरे हट, कहाँ है यार मिर्च, इसमें पेट में आग लगेगी। पड़े खाली मिर्च खा रही, मिर्च है खाली, तुम भूखे से ही मत खा लेना। मैं को इतनी मिर्च नहीं लगी, मैं
मिर्ची है, पसीने आ रहे भैया। यार मैं भुनी हुई 8-10 मिनट खा लेती हूँ, ये क्या चीज है? कुछ भी खा लेती हूँ, ये खाली मिर्ची है। आपसे बड़ा पीस खाया मैंने तो इतना नहीं है जितना तुम लोग नाटक कर रहे हो। वो खा रही हो तुम, मैंने मना कराया ना तुम्हें। अरे इतना से खाया, इतना तुम्हें खा लेती हूँ। ये सब डर पुक्के हैं, ये सब डर पुक्के हैं। चलो थोड़ा थोड़ा और ना। अरे यार प्रणव नहीं है उसको भी खिलाते, देखो कितने टेस्ट से दोबारा दोबारा मांग रहे थे। अच्छा चलो छोड़ो, पर मैं एक रखूंगी अपने लिए। इतनी भी मिर्च नहीं है, दूध पी ले तब ठीक लगेगा, थोड़ा सा दूध पी ले। कैसा लग रहा है यारी को ऊपर रख दे शिवांश के पास में। अरे यार प्रणव के लिए सोचा था प्रैंक करूंगी, पर उस टाइम तबीयत खराब थी ना। अरे यार इससे ज्यादा तेज मैं लाल मिर्च खा लेती हूँ कड़ी के साथ, वही है। देखो एक कैंडिडेट तो हार गया। जूस पे जूस पी रहे, मैं भी जीत गई। आपने दो बार खाया ना, नानी को भी दे दे। ओ भाई खाली काजीरू का ब्रेक डांस निकल रहा है। और बहाने से कोल्ड ड्रिंक पीने का बहाना भी बन गया है। ताकि दुनिया वालों को पता ना चले कोल्ड ड्रिंक को लोटे में डाल के पिया जा रहा है। ये तो पहली बार हो रहा है कि लोटे में डाल के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। चॉकलेट खा लो। अच्छा तभी नहीं आ रही आराम से खड़ी है चॉकलेट खा के। लगी मिर्च गई मम्मी पर, मम्मी ने दो बार खाया ना। आई एम नॉर्मल। सबकी बैंड बन गई, अब केक खाने का असली मजा आएगा। ये हमका केक So, मैंने इसमें बटर डाला है और बटर से मैं इसको पूरे को एक कंसिस्टेंसी बना दूंगी, इसको जोड़ दूंगी ताकि एक आटा आटा नहीं बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर बेस कर पाऊँ। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अभी अपना वो जो स्टफिंग कह रही हूँ बेस बनाया था, मैंने इसमें डाल दिया है अपना, उसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि इसमें कुछ भी लूज ना रहे और ये अच्छे से टाइट हो जाए। और मैं जब तक इसको फ्रिज में रखूंगी बटर की वजह से ये मेरा जम जाएगा अच्छे से। ये है मेरा बेस, इसको मैं अभी रखने जाऊंगी फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद मैं अपना क्रीम चीज़ और व्हिपिंग क्रीम एंड वेनीला एसेंस एंड थोड़ा सा अगर आपके पास हो पनीर, यस पनीर, ये थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है तो इट डज वर्क आउट फाइन, देखते हैं उसको। बाय द वे साथ में हम लोग बीट करेंगे तो विल गेट बैक। चीज डिलेक्टा क्रीम चीज एंड इट इज अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट, ये मुझे मिला था इंस्टामार्ट पे, लकी ना। सो इसके साथ मैंने अभी अपने बोल में थोड़ा सा पनीर डाला है, जो आप मान लो कभी दूध फट जाए या आपके पास पनीर हो, एनीथिंग इज फाइन, यू कैन यूज दैट। सो मैं डालती हूँ इसको एंड मैं इसको ग्राइंडर से व्हिप करना शुरू करती हूँ। दीदी के पास ऑलरेडी व्हिपिंग क्रीम पाउडर अवेलेबल था जिसमें ऑलरेडी शुगर फ्री एडेड है, इसमें मैं ठंडा पानी डालूंगी जो बर्फ का है, इसको व्हिप करूंगी एंड इस व्हिपिंग क्रीम को मैं अपने सॉल्यूशन में डालूंगी। हमारा बन गया ये उत्तपम। आज के डिनर में हम खाने वाले हैं उत्तपम।
सो यहाँ मेरी विपरीम नहीं क्रीम चीज मैंने स्पैचुला की हेल्प से बीट कर लिया है। अब लेट्स सी इसको मैं प्लेस करने जा रही हूँ। ये भी मेरा सेट हो चुका है तो इसके अंदर अब मैं इस विप क्रीम को प्लेस करूँगी। तो ये मेरा मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, इसके ऊपर पूरा क्रीम चीज भर चुका है। अब मैं इसको फिर से फ्रिज में 1 से 1.5 घंटा सेट होने के लिए रख दूंगी। तो हमारा चीज केक शायद रेडी हो चुका है, मैंने इसको 2 घंटे तक सेट करने रखा था फ्रिज में। लेट्स सी इसका क्या फाइनल स्टेटस है। सो ये हमारा चीज केक रेडी है। बेस आप अपने चॉइस के हिसाब से, वैसे पतला रखना चाहिए बट मैंने मोटा ऐसे रखा क्योंकि बिस्किट थोड़े मेरे पतले थे तो ये मोटा करा गया है एंड उसके ऊपर इतना लेयर ऑफ मेरा चीज़ आया है। सो लेट्स ट्राई दिस एंड ये है मेरे रिव्यूअर्स, तो ये खाकर बताएंगे कि क्या बना है एंड क्या नहीं बना है। तो ये रहा मेरा चीज़ केक। थोड़ा सा बीच में आप देख रहे हैं थोड़ा सा गैप है, वो इसलिए क्योंकि मेरा व्हिपिंग क्रीम थोड़ा सा ही टर्न आउट नहीं हुआ था, तो ये आज मैंने विदाउट व्हिपिंग क्रीम बनाया है जिसमें थोड़ा सा पनीर एंड थोड़ी सी क्रीम चीज़ है।